मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज राजीव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग भी कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बाइक रिलेटेड व्लॉग है। सो सबसे पहले तो अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग चेक नहीं किया है जिसमें मैंने R15 वर्जन 4 की डिलीवरी ली थी, सो आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, सबसे पहले जाके वो चेकआउट कीजिए। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइक काफ़ी ज़्यादा प्लेन और सिंपल लग रही है, इसलिए मैंने कुछ ग्राफिक्स वगैरह कराए उस पर। जो वर्जन 4 आया है R15 का, इसमें मुझे तीन मॉडल अच्छे लगे थे, एक रेसिंग ब्लू, एक R15M और एक आया था मॉन्स्टर एनर्जी। बट मॉन्स्टर एनर्जी में ब्लैक कलर और ब्लू कलर की स्कीम है, ब्लैक ज़्यादा उसमें है और मुझे चाहिए था ब्लू कलर। सो मैंने इसमें कुछ ग्राफिक्स कराए, आई होप आपको पसंद आए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माई ब्रांड न्यू R15 वर्जन 4, हियर इट इज। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। सो फ्रंट में जैसे आप देखेंगे आपको ये स्टिकर्स नज़र आएंगे कुछ, फर्स्ट इंप्रेशन आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टिकर से, यहाँ पर यामा के लोगो लगे हुए हैं और यहाँ पर द डॉक्टर। अगर सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मोटो जीपी देखते हैं या मोटो जीपी के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर से पता होगा कि द डॉक्टर क्या है। एक्चुअली एक इटालियन राइडर है, वेलेंटिनो रोजी, और मोटो जीपी में आई थिंक 6 to 7 टाइटल्स जीत चुके हैं, 85 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज है उनकी। सो ही इज़ अ लेजेंड और जितने भी बाइकर्स लोग हैं वो सबको पता है कि कौन है वेलेंटिनो रोजी। और इटली में क्या होता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो तो उसे द डॉक्टर की उस उपाधि से नवाजा जाता है। सो यहाँ पर इस डॉक्टर का मतलब ये है। सो डॉक्टर के बाद आ जाएँ इस इनियोस पे, यहाँ पे इनियोस की बैजिंग है। नाउ इनियोस एक ऑयल ब्रांड है जो कि सिंथेटिक ऑयल वगैरह प्रोवाइड करते हैं पावर स्पोर्ट्स बाइक के लिए, इसलिए वहाँ पर इनियोस की बैजिंग है। उसके बाद 46, नाउ अगेन 46 वेलेंटिनो रोजी के जैसे जर्सी नंबर होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का 10 नंबर है, उसी तरीके से वेलेंटिनो रोजी का 46 था। जब भी वो अपने स्टार्टिंग करियर में, जैसे 96 में उन्हें अपने करियर स्टार्ट किया था, तब से वो 46 नंबर की उनके बाइक पर बैज लगा हुआ है। उसके बाद आ जाए मॉन्स्टर एनर्जी, ये तो आपको सबको पता होगा, ये एनर्जी ड्रिंक है और मोटो जीपी पार्टनर भी है। यहाँ पर आए अगर, यहाँ पर ब्लू कोर की बैजिंग है। नाउ ब्लू कोर इज़ अनदर एक टेक्नोलॉजी है जिससे बाइक में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है। सो ब्लू कोर इज़ बेसिकली ये टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर बात करूँ तो ये मॉन्स्टर के लोगोज़ हैं। साइड से बात करें तो अगेन ये यामा ल्यूब जो कि ऑयल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं यामा को। उस साइड से देखिए कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है बाइक। यहाँ पर ये क्विक शिफ्टर की बैजिंग क्योंकि इस बाइक में क्विक शिफ्टर है। और नीचे भी आप देख सकते हैं इनियोस के और ब्लू कोर यामा ल्यूब के लोगोज़ हैं। नौ एक चीज़ अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीवी है, वेरिएबल वेल एक्टुएशन। मैं अगर रफली समझाऊँ आपको तो जैसे कि सपोज बाइक में दो वाल्व हैं, सो एक वाल्व होता है लो RPM के लिए और एक होता है हाई RPM के लिए। लो RPM में वो जनरेट मतलब करता है ये पावर, हाई RPM जो है वो 7500 RPM के बाद ओपन होता है उसका, क्योंकि कंबस्टन में फ्यूल और एयर पहुंचाता है तो वहाँ पर वो आपका वाल खुल जाता है। बहुत रफली बता रहा हूँ मैं आपको। सो उससे बाइक में ज़्यादा पावर मिलता है। तो VVA टेक्नोलॉजी है वो 7500 RPM के बाद एक्टिवेट होती है। और यहाँ पर ये R15 वर्जन 4 की बैजिंग, इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद सो मैं एक प्रॉपर रिव्यू भी देने वाला हूँ बाइक के लिए, बट अभी मैं सिर्फ ग्राफिक्स बता रहा हूँ आपको कि ये ग्राफिक्स मैंने करवाए इंस्टॉल। और मुझे नहीं पता शायद, बट मैंने जितने भी वीडियोस चेकआउट किए यूट्यूब पे, मुझे किसी का भी वीडियो नहीं लगा जिसमें ग्राफिक्स वगैरह कराए होंगे। सो इसलिए मैंने थंबनेल और टाइटल में डाल रखा है फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज कर रखे हैं, लीवर्स वगैरह चेंज कर रखे हैं, बट ग्राफिक्स के लिए तो एक भी वीडियो मुझे देखने को नहीं मिला। सो बाइक कुछ ऐसी नज़र आती है।
और राइट सो आप देखते हैं बाइक के रनिंग शॉर्ट्स के बाइक चलते हुए कैसे लगती है इन ग्राफिक्स के साथ। लेट्स गो। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो और ग्राफिक्स आपको आई होप पसंद आए हो। तो ये था कुछ ग्राफिक्स के बारे में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या मोड्स करवाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्या इसकी एक्सेसरीज का वेट कर रहा हूँ। सो कंपनी में मैंने बात करी तो वो बोल रहे कि विद इन अ वीक कुछ चेंज कराएंगे हम, जैसे लीवर्स वगैरह हो गए और ये यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स इंडिकेटर्स ये सब चेंज करवाऊँगा मैं। और ये सब करा के फिर हम निकलेंगे ट्रैवल व्लॉग के लिए जिसका वेट कर रहे थे कब से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। बाय। और आज बाय थोड़ा सा टशन में। ऑलराइट बाय गाइस। टेकिंग माय लाइफ स्विचिंग एंड मिसिंग।